नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हो गया हूं। उम्मीद क्या करता हूं, मैं लाइव हो गया हूं। तो अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ ओके है, तो हम लोग आज के करंट अफेयर्स को शुरू कर सकते हैं। आज फरवरी का आखिरी दिन है, यानी कि आज तारीख है 28 फरवरी, और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मतलब यह है कि जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही वाले करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं, तो हो सकता है मेरा चश्मा देखकर आपको नाराजगी हो कि ये काला चश्मा क्यों लगाते हैं। तो कुछ आंखों से संबंधित परेशानियां चल रही हैं जिसकी वजह से मैं ये काला चश्मा लगाता हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हर रोज मुझे ये अनाउंस करना ही पड़ेगा कि मैं काला चश्मा क्यों लगाता हूँ, क्योंकि हर कोई आता है परेशान हो जाता है कि यार ये काला चश्मा लगा के क्यों पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी से गुजारिश है कि आंखों की थोड़ी सी समस्या है जिसकी वजह से मुझे वायलेट और ब्लू लाइट से एलर्जी हो रही है, आंख प्रॉब्लम करता है, इसकी वजह से मुझे ये काला चश्मा लगाना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश और है कि भाई रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको यहीं पर उपलब्ध हो जाएगी। डेली की पीडीएफ, पुरानी पीडीएफ, नई पीडीएफ, सारी पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। तो रीडिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे कर लीजिए। सर जी कल क्लास क्यों नहीं हुई? संडे को नहीं लेता हूँ मैं क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास मैं संडे को नहीं लेता हूँ, क्योंकि हर रोज मैं लगभग 4 से 5 घंटे ही सोता हूँ और संडे को मैं थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ, मतलब 8, 9, 10 घंटे सोता हूँ। तो उस दिन एक हफ्ते में एक दिन मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ, तो मैं सुबह तक देर तक सोता हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको दोपहर में करंट अफेयर दे सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है यार, हफ्ते में एक दिन आराम करना जरूरी है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में सिर्फ काम ही काम कर रहे हैं, आराम भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके अलावा आज सीजीएल का बैच लॉन्च हो रहा है, जो लोग भी सीजीएल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सभी को ज्वाइन करना चाहिए जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। उसमें आपकी डे वन से लेके डे एंड तक, यानी अब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो आपको वो बैच जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। वो बैच आपको ऑली बोर्ड ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, एसएससी सीजीएल का वो बैच आपको ऑली बोर्ड ऐप पर उपलब्ध होगा। आपको किसी भी तरीके का प्रोडक्ट अगर ऑली बोर्ड पर चाहिए, चाहे वो आईकार का हो पेपर, चाहे वो आपका ICAR का पेपर हो, चाहे RRB का पेपर हो, चाहे किसी चीज़ का, सारे मॉक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एग्जाम का मॉक आपको मिल जाएगा हमारे पास, इसके अलावा हर एग्जाम से रिलेटेड कोर्सेज आपको हमारे पास मिल जाएंगे। बस आपको olivebord.in करके वेबसाइट पेज विजिट करना है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो हमारे ऐप कोर्सेज हैं या जो हमारे वीडियोज हैं वो आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं और आप उसको मोबाइल पर भी देख सकते हैं, तो दोनों ही जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज देख लेते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइन में सबसे पहले है, 27 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड एनजीओ डे। नोवाक जोकोविच को मिली हार, डैनिल मेदवेदेव बन गए हैं नंबर एक खिलाड़ी। भारत जापान करेंगे 27 फरवरी से संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में से 43वें नंबर, यानी 43 नंबर पर आया। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में जीता है गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट मुंबई पहुंची। केतन जी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट के लिए नामांकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी अमेरिका में। दीपक धर बने बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय। प्रियम गांधी मोदी एक नई पुस्तक लेकर आए और पुस्तक का नाम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। उमा दास गुप्ता की एक नई पुस्तक हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। भारत में पहली बार किया गया ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन। कोल इंडिया को मिला भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। सिंधुदुर्ग में स्थापित किया जाएगा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र। और उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल अब नहीं रहे हमारे बीच। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास एक नया दिन होता है, एक नए 24 घंटे होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि उस 24 घंटे को आप सिर्फ सोचने में जाया करते हैं या फिर कुछ करने में जाया करते हैं, यानी कि कुछ करते भी हैं कि सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लानिंग ही करते रहते हैं। अक्सर मैंने ऐसा देखा है, मैंने महसूस भी किया है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग ज्यादा करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कम करते हैं।
हम थोड़ा सा प्लान करते हैं उसमें, हमें लगता है कि, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, हमें कोई ना कोई दिक्कत महसूस होने लगती है। इसीलिए आप सभी से मेरा कहना है और मेरा ऐसा मानना भी है कि अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरों ने नहीं किया, या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो जब भी आप कोई प्लान बनाएं, पहली बात प्लान बनाते टाइम अपने आप को प्रॉपरली जज कर लें कि ये प्लान आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और एक बार आपने प्लान बना लिया तो फिर इसको एग्जीक्यूट जरूर करिए, उसको फिर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। मतलब वही वाला करिए ना कि जब एक बार आप कमिटमेंट कर देना तो फिर अपने आप की बिना सुने, आपको करना है तो मतलब करना है, फिर चाहे जितनी मुसीबतें आए, जितना मुसीबत आए, जितना सरदर्द हो, जितनी नींद आए, आपको करना ही है, तो उसको एग्जीक्यूट जरूर करिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। अभी क्या है, अभी ज्यादातर लोगों की हैबिट में होता है छोड़ना, जरा सा कुछ किया, नहीं दिक्कत समझ में आई, परेशानी हुई, आ रहे हटाओ, दूसरा करते हैं, फिर छोड़ना, फिर तोड़ना, फिर एक बनाया, फिर छोड़ना, तो आप छोड़ते ही रहोगे, पकड़ोगे का। तो ये मत करो कि यार जिंदगी मतलब कई बार मिलेगी, कि एक ही बार जिंदगी मिली, जिंदगी आपको हर रोज मिल रही है, हर रोज नए मौके आ रहे हैं, हर रोज नए अवसर आ रहे हैं, बस पकड़ कितना पा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आइए कर लेते हैं प्रीवियस डे रिविजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस डे रिविजन में सबसे पहले हाल ही के किस देश के राष्ट्रपति गितनाश नौशेदा ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तो पड़ोसी देश लिथुआनिया ने क्या कर दिया, बेलारूस के बगल में है, लिथुआनिया ने क्या कर दिया, अपने यहां आपातकाल लागू कर दिया है। कौन सा देश पादप आधारित COVID-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है, तो वह है कनाडा। कनाडा क्या करने वाला है, पादप आधारित वैक्सीन को बोल रहा है कि भैया ये पेड़ पर आधारित वैक्सीन है, इसको लगाओ, और ये जो तुम लोग यहां पर बवंडर मचाए हो COVID-19 को वैक्सीन को लेकर के, उसको शांत करो। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है, तो वो है आपके KN राघवन। KN राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ई कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। देश का पहला इको पार्क कहां पर खोला जा रहा है, ई वेस्ट इको पार्क, ये आपका दिल्ली में ओपन किया जा रहा है। भाई अभी बहुत कम लोग हैं, एक बार शेयर कराओ सभी लोग। गीतांजलि आज बड़े दिन बाद आए आप। विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोहित शर्मा। 3,307 रन T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा ने बना लिए। हाल ही में IDBI बैंक का MD और CEO किसको बनाया गया है, IDBI बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं राकेश शर्मा। IDBI बैंक के MD और CEO को एक बार फिर से अपॉइंट किया गया है राकेश शर्मा को, ठीक है। उधर रोहित शर्मा, इधर राकेश शर्मा। 24 फरवरी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये लोकपाल ऐप जो है ये आपने लॉन्च किया है गिरिराज सिंह जी ने। केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है, यह कर्नाटका से संबंधित है, कर्नाटक की है अपर भद्रा परियोजना। भद्रा नदी जो है वो कर्नाटक में बहती है। IBM ने भारत के किस शहर में अपना पहला साइबर सुरक्षा हब शुरू किया है, तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बेंगलुरु ने अपना पहला साइबर सुरक्षा हब जो है वो लॉन्च किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी फटाफट से करेंगे, जल्दी से एक बार आप वीडियो शेयर कराओ ताकि और ज्यादा लोग आ सके, फिर हम लोग आज के करंट अफेयर्स को फटाफट से शुरू करें। आज बहुत सारे पुराने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये जागृति आज बड़ा दिन बाद आई है ना, मिनिस्ट्री नहीं ये आई है, ये आ रही है, सॉरी सॉरी, माफी चाहूंगा जागृति, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के करंट अफेयर्स की चलते हैं। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी है कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनजीओ डे प्रतिवर्ष आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 27 फरवरी को। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है प्रतिवर्ष आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है। एनजीओ आपको पता ही है कि क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ होने का जो खिताब हासिल है वो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को हासिल है, ऑन द बेसिस ऑफ जो वो परोपकार करते हैं, जो वो दान वगैरह देते हैं उसके आधार पर। तो हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया के 89 से अधिक देश और 6 महाद्वीप मनाते हैं। बाल्टिक सागर राज्यों ने साल 2010 में बाल्टिक सागर एनजीओ फोरम के सदस्यों और परिषद ने आधिकारिक सदस्यों ने आधिकारिक तौर पर विश्व एनजीओ दिवस मनाने का निर्णय लिया था। पहला एनजीओ जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, मतलब इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था संयुक्त राष्ट्र में, वो 27 फरवरी 2014 को हुआ था। और पहला विश्व एनजीओ दिवस फिनलैंड के विदेश मंत्रालय द्वारा होस्ट किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को
एनजीओ के प्रति जागरूक करना और एनजीओ में कार्य करने वाले लोगों के प्रति प्रोत्साहित करना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एनजीओ क्या करते हैं, तो आप में से कई लोगों की ये धारणा होगी एनजीओ जो है वो इधर का पैसा उधर करते हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं, फलाना फलाना उनके दिमाग में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों को भला कर रहे हैं जिन जो सामाजिक की मुख्य धारा में नहीं है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो उसी को लेकर के आता है 27 फरवरी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एक और दिन जो है वो भारत में मनाया जाता है 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस के रूप में, ठीक है। और आज 28 फरवरी है, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं 28 फरवरी का जो दिन है वो भारत में किस रूप में मनाया जाता है? 28 फरवरी का दिन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया था? 27 फरवरी 2020 को मनाया गया था। आज कौन सा दिन है बताओ? 28 फरवरी को, वेरी गुड। आज है नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और नेशनल साइंस डे हम क्यों मनाते हैं? रमन इफेक्ट की खोज आज ही के दिन की गई थी, इसी वजह से रमन प्रभाव को लेकर के विज्ञान दिवस आज मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग कल भी बात करेंगे। और इस बार इसकी थीम है फूड फ्यूचरिज्म। फूड फ्यूचरिज्म किसकी थीम है? प्रोटीन दिवस की। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। इसके अलावा 27 फरवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनजीओ डे यानी कि विश्व एनजीओ दिवस भी 27 फरवरी को मनाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ा सा खेल से जुड़ी हुई खबरों की। नोवाक जोकोविच लग रहा है कि दिन थोड़े से ठीक नहीं चल रहे हैं और ये नंबर 6 खिलाड़ी जिरी वेस्ली से हार गए। जिरी वेस्ली से ये दुबई टेनिस हो रहा था, दुबई टेनिस कप हो रहा था, उसमें हार गए हैं। तो फिलहाल जिरी वेस्ली से हारने के बाद अब इनकी पॉइंट रैंकिंग जो है वो कम हो गई है और इस वजह से विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी दानिल मेदवेदेव ऊपर आ गए। कोई बता सकता है दानिल मेदवेदेव किस देश के खिलाड़ी हैं? जल्दी जल्दी बताइए। फादर ऑफ प्रोटीन रिवोल्यूशन दानिल मेदवेदेव जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ध्यान रखिएगा, ये उस देश के खिलाड़ी हैं जिसने अभी आक्रमण किया हुआ है, यानी रशिया के। दानिल मेदवेदेव रशिया के हैं और आपके नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं। वो किसके हैं? सर्बिया के। तो फिलहाल नोवाक जोकोविच दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में हार गए हैं और इस वजह से दानिल मेदवेदेव जो है वो सीट पर चले गए हैं। जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में चेक रिपब्लिक के क्वालिफायर जिरी वेस्ली ने हराया और जिरी वेस्ली ने इसके बाद सेमीफाइनल भी क्वालिफाई किया और उसके बाद वो फाइनल में हार गए हैं। तो फाइनल में जो है वो हार गए हैं और वो फाइनल में हारे हैं आपके रुबलेव से। किसे हारे हैं? रुबलेव से। रुबलेव ने जिरी वेस्ली को हरा दिया है, तो रुबलेव से वो हार गए हैं। एंड्री रुबलेव इनका नाम है, एंड्री रुबलेव पूरा नाम है, एंड्री रुबलेव पूरा नाम है इनका, और जिरी वेस्ली को इन्होंने हरा दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, तो एंड्री रुबलेव ने जीती है। ये रशियन है, ये भी रशियन है, एंड्री रुबलेव जो है ये भी रशियन है और इन्होंने जिरी वेस्ली को हरा दिया। जिरी वेस्ली कहां के थे? चेक रिपब्लिक के थे और दुबई चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है। इस टाइम अभी रैंकिंग कुछ इस तरीके से चल रही थी, रैंकिंग अभी भी इसी तरीके से है, आज चेंज हो जाएगी। ये नोवाक जोकोविच अभी टॉप पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनकी रैंकिंग में 500 का ड्रॉप आएगा तो ये नीचे आ जाएंगे और दानिल मेदवेदेव जो है वो टॉप पर पहुंच जाएंगे। दानिल मेदवेदेव जो है रशिया के हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, वो दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। राफेल नडाल जिन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता था। नोवाक जोकोविच ने खेला ही नहीं है ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल स्पेन के हैं, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अभी ये पांचवें नंबर पर चल रहे हैं और अभी तक ये 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अधिकतम ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने जीते हैं। रोजर फेडरर आपको शीर्ष पांच में नजर नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिलाओं में जीता था एस्ले बार्टी ने। किसने जीता था? एस्ले बार्टी ने। अभी टेनिस से जुड़ी हुई एक और खबर है, एमा राधा कानू, याद रखिएगा। एमा राधा कानू जो है इनको अभी हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। एमा राधा कानू जो है ये ब्रिटेन की पहली प्लेयर है, ब्रिटेन की पहली प्लेयर है जिन्होंने यूएस ओपन जीता था। एमा राधा कानू ने यूएस ओपन जीता था। यूएस ओपन आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था और एमा राधा कानू ने जीता था महिलाओं में पिछले बार। अभी एमा राधा कानू जो है इनको अभी हाल ही में बीबीसी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था। किससे नवाजा था? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था। आप समझ गए होंगे, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा था, ठीक है। एस्ले बार्टी जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी दुबई टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? अभी बताया,
दुबई टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती? दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीती एंद्री रुबलेव ने। एंद्री रुबलेव जो है, एंद्री रुबलेव जो है, एंद्री रुबलेव कहाँ के हैं? रशिया के हैं। इन्होंने किसको हराया? जीरो बेस्टली को हराया। ठीक है। एलेक्जेंडर जेरेव जो है जर्मनी के हैं। एलेक्जेंडर जेरेव जो है वो जर्मनी के हैं। जर्मनी का है एलेक्जेंडर जेरेव। ठीक है। एलेक्जेंडर जेरेव जो है वो जर्मनी के हैं। अच्छा एक चीज और, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था ATP 500 के बारे में। ATP 500, ATP 500 टूर्नामेंट, एक अभी बताया था 2 दिन पहले बताया था। ये किसने जीता है? ये आपका जीता है उसने, अल्काराज ने, कार्लोज अल्काराज। इनका नाम क्या है? कार्लोज अल्काराज। कार्लोज अल्काराज किस देश के हैं? इनकी तुलना आप समझ लो राफेल नडाल से की जा रही है, तो ये राफेल नडाल के हैं। राफेल नडाल के देश कौन सा? स्पेन। सबसे कम उम्र में ATP 500 जीतने वाले विजेता बने हैं कार्लोज अल्काराज। कार्लोज अल्काराज। ठीक है। और किसी के बारे में कुछ जानना है? एक और प्लेयर है सिसिपास। ठीक है, रुबलेव। हाँ रुबलेव इधर राइट आंसर। रुबलेव ने जीता दुबई चैंपियनशिप। अब इस बारे में बात करते हैं, भारत और जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे? देखो मिलन जो है ये भारत सरकार द्वारा या भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। कोई मुझे बता देता है मिलन का कौन सा संस्करण है ये, जो अभी हाल ही में 25 फरवरी से शुरू हो गया? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 40 देश जो है वो भाग ले रहे हैं। कितने देश भाग ले रहे हैं? 40 देश। 46 देशों को बुलाया था लेकिन 40 ही आ पाए। तो मिलन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हो गया है। आपको बताना है मिलन का कौन सा संस्करण हो रहा है। ये भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मिलन का कौन सा संस्करण हो रहा है? देखकर बताओ, सोचकर बताओ, समझ के बताओ। मिलन 2022 जो है वो अपने आप में कौन सा एडिशन है? इसके अलावा धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच, वायुसेनाओं के बीच में होता है। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान की वायुसेना के बीच में होता है। कोबरा वॉरियर 2022, कोबरा वॉरियर जो है ये वेडिंगटन में आयोजित किया गया। वेडिंगटन कहां पर है? यूके में। और इसमें पहली बार भारतीय एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भारतीय वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया। ईस्टर्न बीच का छठा संस्करण ये आपका कहां पर आयोजित हुआ? ये आपका जोधपुर में आयोजित हुआ। इसका छठा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? जोधपुर में आयोजित हुआ। ये इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित हुआ, भारत और ओमान के बीच में आयोजित किया गया। कौन सा? ईस्टर्न ब्रिज छठा संस्करण। ठीक है, कर लेंगे। हाँ ईस्टर्न ब्रिज, आई बात समझ में। हाँ 40 कंट्री जो है, कोबरा जो है, कोबरा वॉरियर, ये भी वेडिंगटन यूके यानी कि ब्रिटेन में आयोजित हुआ, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ। कई सारे देशों ने और पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। वायुसेना अभ्यास था। धर्म गार्जन जो है वो भारत और जापान के बीच हो रहा है। धर्म गार्जन किसके बीच में हो रहा है? भारत और जापान के बीच में हो रहा है। धर्म गार्जन की जो पहला संस्करण हुआ था वो शायद 2018 में हुआ था। तो भारत और जापान 10 मार्च से कर्नाटक के बेलगाम में, ये कहां पर आयोजित हो रहा है? कर्नाटक के बेलगाम में एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन का आयोजन करेंगे। धर्म गार्जन अभ्यास के बारे में माफी चाहूंगा, मैंने शायद एयरफोर्स बोला है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। धर्म गार्जन, इनका जो एयरफोर्स वाला एक्सरसाइज होता है वो होता है आपका सिनियू मित्री, सिनियू मैत्री होता है, और मालाबार में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एक जिमेक्स नाम का अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। तो धर्म गार्जियन अभ्यास के दायरे में जंगल और अर्ध शहरी यानी कि जंगलों में और शहरी इलाकों में और अर्ध शहरी इलाकों में किस तरीके से कॉम्बैट किया जाए, किस तरह से लड़ाई वगैरह की जाए, उसके बारे में ये है। और इसमें भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवी लड़ाकू सैनिक और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो आपके सैनिक हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहां पर आयोजित हो रहा है? गन्ना। क्या हिंदी में लिखा है करो? ये क्या है, हिंदी में नहीं है? काहे में हिंदी में लिखा है करें? यहां पर भी हिंदी में लिखा हुआ है, इतनी मेहनत पड़ती है मुझे, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। अभी मैं यहां पे वेडिंगटन हिंदी में लिखूंगा ना तो तुम कभी स्पेलिंग नहीं सीख पाओगे वेडिंगटन की। थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखो, बढ़ना सीखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखो। कब तक पालने में ही झूलते रहोगे, है ना? हाँ मिलन 11th है, मिलन का 11वां है, मिलन जो है वो 11वां है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये धर्म गार्जियन हो रहा है। भारत और जापान के बीच में कौन कौन से होते हैं? भारत और जापान के बीच में देखो, भारत और जापान के बीच में पहली बात तो मालाबार होता है। मालाबार मतलब बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, अब तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने लगा, नहीं पहले भारत अमेरिका और जापान के बीच में होता था। इसके अलावा सिनियो मित्री, सिनियो मैत्री, सिनियो मैत्री जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है, वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा जिमैक्स होता है,
जिमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच में होने वाला नौसेना अभ्यास है। धर्म गार्जियन आपका कैसा हो गया? धर्म गार्जियन आपका मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, ये वायुसेना अभ्यास हो गया, और ये आपका जिमेक्स वाला ये कौन सा हो गया? हाँ ये आपका नौसेना वाला हो गया, जिमेक्स वाला। ठीक है चलिए, जिमेक्स भी याद रखिएगा, एडिशन को लेकर कंफ्यूजन है। नहीं, 11वां एडिशन है। हाँ, मिलन पहली बार 1995 में हुआ था और इस बार लगातार ये होता चला जा रहा है, और मिलन का जो है इस बार 11वां संस्करण हो रहा है। मिलन का कौन सा संस्करण हो रहा है? 11वां संस्करण हो रहा है। बीच में बंद हो गया था ये, एक आध बार नहीं हुआ है। तो ये हो गया जापान। अच्छा, जापान को लेकर के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो जापान को देकर के अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक ट्रेन लॉन्च की है, याद आएगा आपको कि है ना। जापान के वर्तमान समय में आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है फूमियो किसिदा। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किसिदा। अच्छा, पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर जो सिंजो अबे थे उनको अभी हाल ही में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया? नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया? नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड दिया। देखो उससे होता क्या है ना कि अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो बेचारे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो पढ़ लेते हैं, और हिंदी में मैं बोलता हूँ तो आप उसको सुन लिया करो। तो शिंजो आबे को नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान का सबसे ऊंचा जो चोटी है यानी कि हाईएस्ट पीक है जो जापान की, वो है माउंट फ्यूजी। कौन सी है? माउंट फ्यूजी। जो यहाँ पे सबसे लंबी रिवर है जापान में, सबसे लंबी रिवर जो है वो है सिनायू, सिनाओ रिवर। कौन सी रिवर है? सिनाओ रिवर, SHINI, स्पेलिंग गलत हो गई, SHINAO, सिनाओ। सिनाओ रिवर जो है ये जापान की सबसे लंबी नदी। अगर हम जापान की संसद की बात करें तो जापान की संसद को क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है। जापान की संसद को क्या बोला जाता है? डाइट बोला जाता है। ठीक है ठीक है, भाग लेने नहीं गया? गया तो था, अब ये मुझे याद नहीं है कि गया कि नहीं गया। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल है सुमो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सुमो। सुमो जो सुमो रेसलिंग होती है ना, मोटे मोटे होते हैं वो, यही वाला। ठीक है, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड जो है वो शिंजो अबे को गया है। नेताजी सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो विनोद शर्मा को गया है, और गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट को गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ज्यादा न्यूज है आज। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को 43वां स्थान हासिल हुआ है। 55 देशों में 43वें नंबर पर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ये बताता है कि भारत के जो लोग हैं वो जितने पढ़े लिखे हैं वो कितने अच्छे तरीके से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन सारी चीजों को उपयोग कर सकते हैं। तो भारत का रैंकिंग कितना है? 43rd है। जबकि इस मामले में अमेरिका जो है वो पहले नंबर पर आया है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर, जर्मनी जो है वो तीसरे नंबर पर, स्वीडन जो है वो चौथे, और फ्रांस जो है वो पांचवें नंबर पर आया है। तो यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया, जिसमें 55 देशों में भारत को 43वां स्थान मिला है। भारत का आईपी स्कोर 38.4 है, अब 38.6% हो गया है। अमेरिका 95.48% के स्कोर के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल करता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर यूके और जर्मनी है। तो टॉप 5 देश यहां पर हो गए। इसके अलावा अभी हाल ही में जो इंडेक्स जारी हुए वो कुछ इस तरीके से है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, यानी कि इसमें यह बताया कि भारत में जो मिलेनियर बढ़े हैं यानी कि जो करोड़पति घर बने हैं वो कितने बढ़े हैं। वो 11% घर ऐसे हैं जो भारत में करोड़पति बने हैं, और इसमें मुंबई ने टॉप किया है। यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो करोड़पति लोग बने हैं वो कहां पर बने हैं? मुंबई में बने। इसके अलावा अभी हाल ही में इंडिया का रैंक तीसरा आया, किसमें? यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। यानी कि भारत में जो ग्रीन बिल्डिंग है उसमें पूरे विश्व में जो ग्रीन बिल्डिंग है, जो अपने कार्बन न्यूट्रल है अपने हिसाब से, मतलब अपनी बिजली का उत्पादन वो खुद ही कर लेते हैं, ग्रीन बिल्डिंग जिन्हें कहा जाता है, वो उसमें भारत तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे आपका चाइना है। यानी कि सबसे ज्यादा ग्रीन बिल्डिंग आपको कहां पर मिलेगी? चाइना में मिलेगी, पहले नंबर पर। इसके अलावा भारत का रैंकिंग 46वां आया, किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स में। डेमोक्रेसी इंडेक्स का मतलब लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंकिंग कितना आया है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का जो रैंकिंग है, भारत का जो रैंक है वो आपका कितना आया है? वो आपका 46वां आया है। जबकि इस सूची में पहले नंबर पर नॉर्वे है। इस सूची में पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज्यादा लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। लोकतंत्र अधिकारों का हनन वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का नया इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें भारत में सबसे अधिक ट्रैफिक जो खराब है, यानी कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो आपका मुंबई है, जबकि पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है वो आपका इस्तांबुल है।
वो कौन सा है? इस्तांबुल। इस्तांबुल किस देश में आता है? टर्की में आता है। इस्तांबुल कहां पर है? टर्की में है। आगे चलते हैं। सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स। सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स यानी कि लोग खुद सीखते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ही सीखते हैं, कंप्यूटर खुद सीखते हैं, सारी चीजें खुद ही सीखते हैं। इस तरीके की इंडेक्स में इंडिया ने लीड किया है, यानी कि इंडिया का पोजीशन पहले नंबर पर है कि स्किल रेडीनेस के मामले में हम खुद मतलब जुगाड़ से ही, हम कहीं फीस देके नहीं सीखते, हम खुद ही सीख लेते हैं सारी चीजें। तो इंडिया इस मामले में नंबर वन पर है सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स में। जम्मू और कश्मीर ने टॉप किया है अभी इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में, लेकिन टॉप क्यों किया है? पत्रकारों की हत्या के मामले में, पत्रकारों की हत्या के मामले में अभी इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है। किस मामले में? पत्रकारों की हत्या के मामले में। यूपी जो है वो दूसरे नंबर पर है, यानी कि पूरे भारत में इस साल दूसरे नंबर पर यूपी में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं की गई है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट की बात की जाए तो पहली बार LIC इंश्योरेंस के सेक्टर में, यानी बीमा के सेक्टर में LIC पहली बार 10वीं रैंक पाया है, यानी कि भारत की तरफ से सबसे मोस्ट प्रेस्टीजियस ब्रांड जो इंश्योरेंस सेक्टर में है LIC, उसको ग्लोबली 10वें नंबर पर रखा गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक 85 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत 85वें नंबर पर है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत 18वें नंबर पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मर इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है। ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिश्वतखोरी के मामले में भारत 82वें नंबर पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत 56वें नंबर पर है। ग्लोबल हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66वें नंबर पर है। ट्रू कॉलर की एक ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट आई जिसमें भारत 4थे नंबर पर है, यानी कि भारत में हर बहुत ज्यादा कॉल जो है वो स्कैम होती है, यानी कि फालतू की कॉल होती है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे नंबर पर है, विश्व में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न भारत के अंदर है। एंटी डोपिंग रूल वायलेंस यानी कि आपका एंटी डोपिंग रूल के मामले में भारत 3रे नंबर पर है, ताकतवर है। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रैंकिंग के मुताबिक भारत का पासपोर्ट 83वें नंबर पर है, जबकि जापान का पासपोर्ट पहले नंबर पर है। तो ये लगभग 17 इंडेक्स हैं और इन 17 इंडेक्स में आपके एग्जाम में आने के चांसेस सभी के हैं, तो इसलिए एक एक इंडेक्स को ध्यान से पढ़िएगा, एक साथ याद करने में मुश्किल होगी। तो एक दो इंडेक्स जो आसपास के हो, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 85 है, 83 आपकी यहां पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो आप 83 के बाद 85 रखिए, फिर उससे पहले 82 रख लीजिए, 82 किसमें है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में। तो तीन तो मैंने आपको याद ही करा दिए, आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 83, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 85 और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से जस्ट पहले यानी कि 82वीं रैंकिंग कितनी है रिश्वतखोरी के मामले में। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है? हाँ जी, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? देखिए, मीराबाई चानू जो है वो वैसे तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार यहाँ पर 55 किलोग्राम भार वर्ग में खेला है। मुझे लगता है टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के बाद उनका वजन थोड़ा सा बढ़ गया, इस वजह से उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में ये जीता है। ठीक, तो मीराबाई चानू जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती है? मणिपुर से बिलोंग करती है और सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीत लिया। कहां पर जीता? सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में। इसी के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग के लिए क्वालिफाई किया है। पहली बार वो 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रही है। चानू ने कुल 191 किलोग्राम का भार उठाया और ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेवास्टिंको दूसरे स्थान पर रही, जबकि मलेशिया की एली कैसेंड्रा एलंगलवर्ट ये आपकी तीसरे स्थान पर रही। अगर आप भारत के ओलंपिक पदकों की बात करें तो इस बार भारत ने ओलंपिक पदक जीते थे 124, ये आपके टोक्यो ओलंपिक में, और 586 आपके पैरालंपिक में, स्वर्ण रजत और कांस्य ये 124, 423, 426, 8513619, तो ये आपके टोक्यो पैरालंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 48 रही थी, जबकि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग 23वीं रही थी। अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का समापन हुआ, कोई बता सकता है शीतकालीन ओलंपिक का समापन कहां पर हुआ? शीतकालीन ओलंपिक में इस बार टॉप पर कौन सा कंट्री रहा? शीतकालीन ओलंपिक का समापन आपका बीजिंग चाइना में हुआ, बहुत सारे देशों ने इसका बायकॉट किया था, लेकिन नॉर्वे जो है वो यहां पर अधिकतम पदक 16 स्वर्ण पदक के साथ टॉप पर रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। होंगजोउ 24 थी सर, 23 थी, 23 23 थी, एक बार फिर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये है ऑपरेशन गंगा, ये है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए तो अभी अफगानिस्तान में चलाया गया था ये। अफगानिस्तान में जब तालिबान आया था ना, तो वहां के लोग भाग रहे थे वहां से, तो भारतीय वहां से निकालने के लिए अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऑपरेशन राहत जो है वो 2015 में यमन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था, जब सऊदी अरबिया ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो ऑपरेशन राहत जो है वो यमन से निकालने के लिए चलाया गया था। वंदे भारत तो आप समझ गए, कोविड-19 के दौरान विभिन्न देशों में जो लोग फंसे थे उसके लिए वंदे भारत चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं, यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिसमें से पहली जो फ्लाइट है वो 219 लोगों को लेकर गई, यानी अभी भी लगभग 4,000 भारतीय आ पाए हैं। टोटल 4,000 भारतीय अभी आ पाए हैं, पिछले कुछ दिनों में भारत आ पाए हैं। 20,000 में से लगभग 16,000 भारतीय अभी भी यूक्रेन में कहीं फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया है। पहले चरण के तहत 219 भारतीयों को मुंबई लेकर पहुंची फ्लाइट, और इसमें बड़ी खुशी हुई लोगों को कि भैया कम से कम चलो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, जाते ही क्यों हो यूक्रेन, यहीं पर कमाओ खाओ ना। तो फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी, क्योंकि यूक्रेन का जो हवाई अड्डा है वो पूरी तरीके से नागरिक विमानन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसका मिसाइल कभी भी उस पर आकर गिर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कंफर्म कर लेते हैं भाई, गूगल पे देख लो। ठीक, आप लोग आगे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको देख लेता हूं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका भारत 23वें नंबर पर है यार, देख लिया मैंने, इतना तो भरोसा किया करो, तुम लोग बड़ा कंफ्यूज करते हो। भारत 23वें नंबर पर है पैरालंपिक में, है ना, पदक 19 जीते थे, पैरालंपिक में भारत 23वें नंबर पर है, परेशान मत किया करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की किस पहली अश्वेत महिला जज के नाम को मंजूरी दे दी है? तो इनका नाम है केतन जी ब्राउन। कैथरीन रसेल की बात करें तो कैथरीन रसेल अभी हाल ही में यूनिसेफ की हेड बनाई गई है, हेनरीटा एचपोर चली गई है, और रॉबर्ट मेटसोला जो है ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसकी हेड बनाई गई है ना, पार्लियामेंट भी है, संसद भी है यूरोपियन यूनियन का। लीना नायर की बात करें तो ये सबसे कम उम्र की ग्लोबल सीईओ बनी है, सबसे कम उम्र की ग्लोबल सीईओ बनी है, जो इंडियन बिजनेस वूमेन है, चैनल नाम का एक ब्रांड है उसकी सीईओ बनी है, ग्लोबल सीईओ बनी है लीना नायर। तो राइट आंसर हमारा होगा केतन जी ब्राउन। केतन जी ब्राउन जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में आई है। अब भारत में देखिए पहली महिला जज कौन थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की हो गई, ये तो मतलब ये तो हो गया बात, यूएसए का बात हो गया। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये एंड्रयू रसेल की बहन है कि नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, कतई आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में तब मुझे पता चलेगा, मुझे इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ यूनिसेफ पढ़ा और आगे बढ़ गए। अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूं, भारत की पहली महिला जज कौन थी बताओ भाई, पहली महिला जज पूछ रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या, भारत की पहली महिला जज कौन थी, कहीं भी हो किसी भी जगह पर हो, भारत की पहली महिला जज पूछा है मैंने। केतन जी ब्राउन जो है ये भारत, ये आपकी पहली अश्वेत महिला जज है, कहां पर? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, और ये आजीवन जज रहेंगी, मतलब जब तक इनका जीवन रहेगा तब तक ये जज बनी रहेंगी। फातिमा बीबी बता रहा हूं, नहीं फातिमा बीबी तो नहीं है भाई, मैं पहली महिला जज पूछ रहा हूं, केरल की थी, याद करो कुछ दिन पहले बताया था, भारत की पहली महिला जज, आप जो बता रहे हो वो हाई कोर्ट बता रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट की बता रहे हो, भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट में जो जज थी वो फातिमा बीबी थी, और भारत की पहली हाई कोर्ट में जो जज थी वो लीला सेठ थी, है ना, हाँ चंडी माता, हाँ अना चांडी, बहुत बढ़िया, ये एना चांडी याद रखिएगा, केरला की थी, एना चांडी जो है वो भारत की पहली महिला जज थी, और भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, वो आपकी फातिमा बीबी थी, और भारत की पहली महिला हाई कोर्ट में जो जो जज बनी वो आपकी थी लीला सेठ। ठीक, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आप अपने हिसाब से दूर रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और एक और याद आ रहा है मुझे कि साउथ अफ्रीका में अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक भारतीय को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, कहां पर? साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया एक भारतीय को, एक इंडियन को, आप उनका नाम बता सकते हैं? ये अभी हाल का करेंट अफेयर्स है, नरेंद्र जोड़ी गोपालन, उनका नाम क्या है? नरेंद्र जोड़ी गोपालन, नरेंद्र जोड़ी गोपालन, अरे क्या पूछेगा, यही सब तो पूछेगा,
नहीं पूछेगा, यही तो पूछेगा। नरेंद्र जोड़ी गोपालन, नरेंद्र जोड़ी गोपालन, ठीक है, गोपालन, गोपालन, कोलापन नहीं, गोपालन, कोका कोला नहीं है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इनको अपॉइंट कर दिया गया। तो केतन जी ब्राउन जो है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज होंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके नाम को मंजूरी दी है। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। वो रिटायर हो रहे जज स्टीफन ब्रेयर की जगह लेंगी। बाइडेन ने 51 वर्षीय केतन जी को आजीवन इस पद पर रहने के लिए चुना है। सीनेट यदि उनके नाम को मंजूरी दे देती है तो केतन जी सुप्रीम कोर्ट की छठी महिला जज होंगी, महिला के रूप में छठी जज होंगी। और अश्वेतों की बात करें तो वो तीसरी अश्वेत जज होंगी। इससे पहले दो अश्वेत यानी कि जो ब्लैक मैन रहे हैं, दो पुरुष रहे हैं। तो इससे पहले, उससे पहले दो अश्वेत पुरुषों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अवसर मिला है। तो पहली महिला अश्वेत जज जो है वो कौन होने वाली है? केतन जी ब्राउन होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आपके बने हैं, कहां गए? दीपक धार। दीपक धार जो है वो बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने पहले भारतीय बने। बोल्ट्समैन पदक जो है ये आपका फिजिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। ये IUPAP द्वारा दिया जाता है। IUPAC का नाम सुना? IUPAC की बहन है IUPO, IUPAP, उसी के द्वारा ये पदक दिया जाता है। दीपक धार को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए बोल्ट्समैन पदक से सम्मानित किया जाएगा। बोल्ट्समैन मेडल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स यानी IUPAP के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग द्वारा हर 3 साल में दिया जाता है। वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन हॉपफील्ड के साथ इस पुरस्कार को साझा करेंगे, क्योंकि ये चीज फिजिक्स में दी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए। IUPAP और IUPAC की बात करें तो दोनों बहने हैं। IUPAC का जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड स्टेट में है। वर्तमान समय में नतालिया तारासोवा, नतालिया तारासोवा जो है वो IUPAC की हेड है। जबकि IUPAP की बात करें तो इसका गठन 1922 में किया गया था, इसका 1919 में किया गया था। IUPAC नामनक्लेचर आपने पढ़ा होगा। और इसके जो वर्तमान समय में हेड है वो है माइकल स्पाइरो। वो कौन है? माइकल स्पाइरो। अगर हम बात करें अभी हाल ही में नोबल पुरस्कार भी दिए गए थे अक्टूबर दिसंबर में, तो उसमें आपको नोबल पुरस्कारों के विनरों के बारे में एक बार हम लोग बता देते हैं। पीस प्राइज यानी कि नोबल का शांति पुरस्कार इस बार मिला दिमित्री मुराटेव और मारिया रेशा को। लिटरेचर यानी साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया अब्दुल रज्जा गुरनाह को। क्योंकि फिजिक्स की बात छड़ी है तो फिजिक्स को जरूर देख लेते हैं। क्लास हैसलमैन, गार्गियो परिसी और सुक्रियो मनावा मनावे, इनको फिजिक्स का पुरस्कार दिया गया। एडन पाटापोशियन, डेविड जूलियस और गुडो इम्बस, इनको आपने सॉरी एडम पाटापोशियन और डेविड जूलियस को मेडिसिन यानी चिकित्सा का पुरस्कार दिया गया। जबकि गुइडो इम्बेंस, डेविड कार्ड और जोसुआ अंग्रेज को इकोनॉमिक का पुरस्कार दिया गया। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को केमिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया। मैंने एक वीडियो भी बनाया था ताकि आपको ये याद हो सके कि नोबल किसको दिया गया है। तो सबसे पहला वाला जो ट्रिक था वो था डेविड ने रसायन में मैक मिलाकर बेंजामिन की लिस्ट बनाई। तो डेविड ने रसायन में मैक मिलाकर बेंजामिन की लिस्ट बनाई। तो ये कौन से हैं? ये आपके केमिस्ट्री वाले हैं। तो इसमें आप देख लीजिए केमिस्ट्री वाले कौन से थे, कहां गए? वो बेंजामिन की लिस्ट और डेविड मैकमिलन। डेविड ने मैक मिलाकर बेंजामिन की लिस्ट बनाई। डेविड ने रसायन में मैक मिलाकर बेंजामिन की लिस्ट बनाई। अब दूसरा है मेडिसिन का। डेविड ने दवा खिला खिलाकर अर्डम को पाला पोसा, अर्डम पाटापोशियन। और डेविड जो थे, इनका क्या नाम था? नाम मैं खुद ही भूल रहा हूँ। डेविड जूलियस और अडम पाटापोशन। डेविड जूलियस ने दवा खिला खिलाकर अडम को पाला पोषा। साहित्य का गुना अब्दुल रज्जाक को साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया जाएगा। सुक्रियो मनावे की भौतिक विज्ञान की क्लास में हंसी नहीं आई, नहीं तो बहुत गर्गा पड़ती। तो यहां पर फिजिक्स का नोबल किसको मिला था? क्लास हैसलमैन, जॉर्जियो परसी और शुक्र मनावे। तो शुक्र मनाओ कि फिजिक्स की क्लास में हंसी नहीं आई वरना बहुत गर्गा पड़ती, तो जॉर्जियो परिसी। और इसके बाद एक लास्ट वाला, ये ज्यादा अच्छा था। कहाँ गई? मरे मुरे को शांति मिली, ये कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, मरे मुरे को शांति मिली डिमिट्री मुराटेव और मारिया रेशा, मरे मुरे को शांति मिली। यहां पर अगला है उसका, आपका इकोनॉमिक्स का, जोसुआ एंग्रिस्ट, गुडे इम्बेंस और डेबिट कार्ड। तो यहां पर जोसुआ अंग्रेज ने गुड्डी की अम्मा का डेबिट कार्ड चुरा लिया। तो ये सारे के सारे उसके लिए हैं ताकि आप इसको एक बार याद कर सके। आज की पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा, तो इसको रिलेट करते हुए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला, ए नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है, कहां गए? प्रियम गांधी मोदी द्वारा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पीएम गांधी मोदी द्वारा। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है
कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो कोविड-19 से देश की हालत कितनी बुरी हो सकती थी। प्रियम गांधी मोदी का कहना है कि मोदी ने बड़ी नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी अच्छी तरीके से आपका कोविड-19 की चीजों को मैनेज किया और पूरे देश को जो है कोविड-19 वैक्सीन लगवाया। तो इस पुस्तक में बताया गया कि भारत किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक घातक संकट से जूझा और उभर कर सामने आया। पुस्तक का नाम है ए नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियम गांधी मोदी द्वारा। एक और पुस्तक यहां पर लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर पर आधारित एक पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन। किसने लिखी है? ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो है ये उमा दास गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन ये किसके द्वारा लिखी गई है? उमा दास गुप्ता द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबल कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। पहले एशियन व्यक्ति जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबल दिया गया था इनको गीतांजलि के लिए, नोबल इन लिटरेचर, साहित्य का नोबल दिया गया था इनको गीतांजलि के लिए। ठीक है, उमादास गुप्ता बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, उनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, या नियोगी बुक की पेपर मिसाइल छाप के तहत प्रकाशित हुआ है। 1922 में शांति निकेतन में उनके विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इस पुस्तक के ऊपर काम किया गया है। ठीक है, अगला, पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन भारत में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ओशियन 2022 सम्मेलन जो है ये पहली बार चेन्नई में आयोजित किया गया है और इसमें भारत और जो भारत या वैश्विक समुद्री जो भी देश है उनको यहां आमंत्रित किया गया है। ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और वहां पर जो भी शोधकर्ता है ओशियन के वो यहां पर आए हैं। तो ओशियन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई में आयोजित किया गया। इसकी थीम इस बार रही इंस्पायर इनोवेशन सस्टेन, यानी कि प्रेरणा नवाचार। इस बार क्या रहा? इंस्पायर इनोवेशन सस्टेन, प्रेरणा लगातार नवाचार। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को। यह मैंने परसों भी आपसे डिस्कस किया था, केवल क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं था। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाया गया है। भारत में ये महारत्न कंपनी है, भारत में एक नया महारत्न आ रहा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो वर्तमान समय में हेड है वो है रवि ढिल्लन, और अगर ये महारत्न बन जाती है, अभी अधिसूचना है, अभी बना नहीं है, जैसे ये महारत्न बन जाएगा तो देश में 11 आपकी महारत्न कंपनियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 11 महारत्न कंपनियां हो जाएंगी। अगला, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया जा रहा है? तो भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये बीना मध्य प्रदेश में भेल द्वारा लगाया जा रहा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टेइक का ये संयंत्र जो है वो चालू किया जाएगा। इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपनी बिजली की जरूरत के लिए आत्मनिर्भर बनने का फैसला लेने के बाद इस संयंत्र को चालू किया है और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सोलराइज करने की भी योजना बनाई है। अभी तक भारतीय रेलवे क्या कर रहा है, वो बिजली खरीद रहा है, अब वो क्या करेगा, बिजली खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, खुद का संयंत्र लगा रहा है। तो पहला संयंत्र वो कहां पर लगा रहे हैं? बीना मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि जो भी एमएसएमई, जो भी आपकी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उनको किसी तरह से किन किन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है उसके ऊपर ये काम करेगी। तो फिलहाल ये कहां पर लगाया जा रहा है? ये आपका महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में लगाया जा रहा है और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो वो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक, और फिर 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री के रूप में वो चुने गए। तो कहां के थे? उड़ीसा के थे। अब बारी आज के वन लाइनर की। विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दानिल मेदवेदेव। भारत और जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे? धर्म गार्जियन 2022 10 मार्च तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 43rd। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 55 किलोग्राम भार वर्ग में। हाल ही में यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने किस अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन गंगा। और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की किस पहली अश्वेत महिला के जज के नाम को मंजूरी दे दी है? केतन जी ब्राउन। बोल्टमैन पदक से जीतने वाला पहला सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर।
ए नेशन टू प्रोजेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू ए द कोविड क्राइसिस, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियम गांधी मोदी द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर पर आधारित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने। पहली बार ओशियन सम्मेलन का आयोजन भारत में कहां पर किया गया? चेन्नई में। हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड को। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लॉन्च किया गया? बीना मध्य प्रदेश में। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहां पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में। और अभी हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? उड़ीसा के। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से बॉम्बे का अधिग्रहण किस वर्ष प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर 1668 है। निर्णायक क्षण 1668 ईस्वी में आया, 1668 ईस्वी होना चाहिए, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, जब इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी की और दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप प्राप्त किया, और उन्होंने तुरंत 1668 ईस्वी में इसे ईस्ट इंडिया को लीज पर दे दिया था। आज का प्रश्न है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है, यानी कि एक लड़ाकू विमान डेवलप किया है? किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित प्रोटोटाइप डेवलप किया? तो इसको आपको बताना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको करंट अफेयर पसंद आया होगा, बाकी कोई कमी होगी तो बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि 45 मिनट के अंदर निपट जाए। आज न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी तो डिटेल थोड़ी कम थी, लेकिन न्यूज़ कंप्लीट थी, तो डिटेल फिर कभी कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल तो कभी भी हम आपको घुमा फिरा के फिर से बता देंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।